कमांडो स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने हिस्टैरिसिस किया, हिस्टैरिसिस से फिर से स्टार्ट करते हैं। हिस्टैरिसिस के अंदर हमने क्या किया कि सपोज हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे बी, और ताकि एक स्पेसिमेन कोई भी आयरन का पीस या जो भी है वो मैग्नेट बन जाए, यानी कि वो मैग्नेटाइज हो जाए। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, मैं एच इंक्रीज करूंगा और यहाँ पर चेक करूंगा कि आई की कितनी वैल्यू अचीव होती है। तो एच इंक्रीज करने का मतलब है कि मैं यहाँ पर एच को इंक्रीज करने का मतलब मैं मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल बढ़ाऊंगा और मैं ऑब्जर्व करूंगा कि सब्सटेंस उतना ही ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ एच आई के प्रोपोर्शनल होगा, या एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं, बट एच अगर इंक्रीज होगा तो आई भी इंक्रीज होगा। और एक टाइम आएगा जब आई की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद क्या होगा, मैं एच को कम करूंगा और एच को जीरो करूंगा, सब्सटेंस डीमैग्नेटाइज होगा। बट एच को जीरो करने पे अभी भी सब्सटेंस के अंदर, उस स्पेसिमेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा। इसको बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, बचा हुआ मैग्नेटिज्म, कि आपने एच को जीरो कर दिया फिर भी उसमें आई की वैल्यू प्रेजेंट है, क्योंकि जल्दी जल्दी डीमैग्नेटाइज कोई भी सब्सटेंस नहीं होता। फिर अब आप क्या करोगे, एच को रिवर्स करोगे। जब एच की डायरेक्शन को रिवर्स करोगे, यानी कि उसे उल्टी तरफ मैग्नेटाइज करोगे, तब जाके आई वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। आप और उल्टा एच अप्लाई करोगे तो आई फिर बढ़ जाएगा उल्टी तरफ, सब्सटेंस फिर से उल्टा मैग्नेट बन जाएगा, और फिर एच को जीरो करोगे तब जाके आई की वैल्यू जीरो होगी, और इस तरीके से ये ग्राफ चलता जाएगा। तो इस ग्राफ में पहले मैंने एच को इंक्रीज किया तो आई की वैल्यू भी इंक्रीज हुई, मैक्सिमम हुई, एच जीरो हुआ आई कम हुआ, एच रिवर्स हुआ आई कम हुआ, एच और रिवर्स किया आई इंक्रीज हुआ, अल्टीमेटली इस तरीके से मूव करता गया। तो पहला स्टेप क्लियर है। इस पूरे प्रोसेस में मैं एच को इंक्रीज करता हूं तो आई बढ़ता है, मैं एच को कम करता हूं आई कम होता है, एच को जीरो करता हूं आई जीरो नहीं होता, एच को उल्टा इंक्रीज करता हूं तो आई जीरो होता है। तो पूरे प्रोसेस में आई पीछे चल रहा है और एच आगे चल रहा है। तो फिनोमेना ऑफ क्या करवाया था, लैगिंग ऑफ आई, आई का पीछे रहना, और आई का पीछे किससे रहना, एच से। कब, इन व्हेन अ स्पेसिमेन ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, करेक्शन करने को कहा था, इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब सब्सटेंस का मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होना। ये स्टेप भी क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो अब इसके अंदर दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो देखने वाली हैं। उसमें से पहली चीज ये है कि जब ये ग्राफ मैंने इस टाइप से रेडी किया तो इस ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ में ठीक, ये वो आई की वैल्यू है आई जब एच क्या था, जीरो। तो ये वो आई बच गया जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया। इस बचे हुए आई की वैल्यू को क्या बोलते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या फिर रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी का मतलब मैंने फील्ड को जीरो कर दिया फिर भी उसमें कुछ ना कुछ आई बचा हुआ है, तो रिटेंटिविटी। और ये क्या चीज है, ये वो एच की वैल्यू है, एच जब आई की वैल्यू क्या हो गई इसमें, जीरो। तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, कोएर्सिविटी। तो कोएर्सिविटी उस एच को बोलते हैं जो उल्टा एच हमने अप्लाई किया ताकि स्पेसिमेन वापस डीमैग्नेटाइज हो जाए, और आई का मतलब वो बचा हुआ मैग्नेटिज्म, जब हमने एच को जीरो कर दिया फिर भी मैग्नेटिज्म बचा हुआ है, उसको हम आई रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो रिटेंटिविटी वाई एक्सिस पे है, कोएर्सिविटी एक्स एक्सिस पे। क्लियर यहां तक? इसके ऊपर, इसके बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, और उनमें से पहला क्वेश्चन ये आएगा कि आप जो हिस्टैरिसिस है इसका सिग्निफिकेंस बताओ क्या होगा। जब हम हिस्टैरिसिस पढ़ रहे हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो आप ऐसे बोलेंगे कि जब हम एरिया निकालते हैं तो एरिया इसका सॉफ्ट आयरन का हिस्टैरिसिस का कम है और स्टील का एरिया ज्यादा है, हिस्टैरिसिस का एरिया ज्यादा है। एरिया कम होने का मतलब जब उसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज किया तो उस केस में वो सब्सटेंस गर्म हो जाता है,
और वो जो हीट लॉस है वो कम होगा अगर एरिया कवर्ड कम होगा, अगर एरिया लूप में ज्यादा होगा हीट लॉस ज्यादा होगा। तो ये सिग्निफिकेंस है, इसका एरिया देख के पता लग जाता है। तो सॉफ्ट आयरन मटेरियल को अगर आप मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करते हो तो वो कम गर्म होगा, एनर्जी लॉस कम होगा, इसमें एनर्जी लॉस ज्यादा होगा। यहां तक क्लियर है? इसके बेस पे क्वेश्चन आएगा, सॉफ्ट आयरन या स्टील में से अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो कौन सा मटेरियल यूज किया जाएगा, सॉफ्ट आयरन या स्टील, कौन सा? मतलब जिसकी रिटेंटिविटी ज्यादा है या जिसकी कोएर्सिविटी ज्यादा है, दोनों में से एक चीज बतानी है। तो पहले समझ लो, रिटेंटिविटी ज्यादा का मतलब है कि आपने फील्ड को जीरो कर दिया फिर भी सब्सटेंस बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि उसमें बचा हुआ मैग्नेटिज्म अभी भी है। तो किसी भी सब्सटेंस की अगर रिटेंटिविटी ज्यादा होगी तो उसमें बचा हुआ मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा होगा। जैसे इसमें सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी ज्यादा है, मतलब अगर आप फील्ड बंद भी कर दोगे तो सॉफ्ट आयरन बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करेगा, और इसमें अगर आप फील्ड को बंद करोगे तो इसमें ये रिटेंटिविटी इसमें कम है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए बोलो कौन सा यूज करोगे, स्टील या सॉफ्ट आयरन? सॉफ्ट आयरन। क्यों? क्योंकि उसकी रिटेंटिविटी ज्यादा है, और ये आंसर एकदम गलत है। ठीक, रिटेंट और क्वेश्चन यही आएगा, सुनने में बिल्कुल यही लगता है, आप गलत नहीं सोच रहे हो, क्योंकि मैंने कहा जब फील्ड को मैंने जीरो किया तो बचा हुआ मैग्नेटिज्म किसका ज्यादा है, तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, मैंने खुद कहा। तो आपने भी कहा परमानेंट मैग्नेट यूज करेंगे जिसकी रिटेंटिविटी ज्यादा है, सॉफ्ट आयरन। मैंने ये थोड़ा ना कहा कि मुझे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है, मैंने कहा मुझे लंबा चलने वाला मैग्नेट बनाना है, यानी कि परमानेंट मैग्नेट बनाना है। अब कोएर्सिविटी का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो, रिटेंटिविटी तो साफ पता लग रहा है बचा हुआ मैग्नेटिज्म, कोएर्सिविटी का मतलब होता है कि मैं कितना उल्टा एच अप्लाई करूं, उल्टा एच, ताकि उसका मैग्नेटिज्म बिल्कुल खत्म हो जाए, आई की वैल्यू एकदम जीरो हो जाए। इसको सॉफ्ट आयरन की कोएर्सिविटी छोटी है, मतलब मैं हल्का सा एच अप्लाई करूंगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, सॉफ्ट आयरन आयरन बन जाएगा, मैग्नेटाइज से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। पर मुझे स्टील को डीमैग्नेटाइज करने के लिए काफी ज्यादा उल्टा रिवर्स फील्ड लगाना पड़ेगा, तब जाके स्टील का आई क्या होगा, जीरो। तो परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट है जिसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमें बहुत एफर्ट करना पड़े और बहुत ज्यादा उल्टा फील्ड लगाना पड़े, और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टील मटेरियल जो है, स्टील मटेरियल में कोर्सिविटी ज्यादा है, तो उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए, स्टील को डीमैग्नेटाइज, एक बार मैग्नेटाइज हो गया उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमें बहुत रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, इसीलिए स्टील लंबा चलेगा और उसको डीमैग्नेटाइज करना भी बहुत ज्यादा आसान नहीं है। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो इंपॉर्टेंट है, करेक्शन करो इसमें, मटेरियल्स फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट शुड हैव हाई कोएर्सिविटी कर दो बस, रिटेंटिविटी, क्योंकि चीजें तो दोनों देखो, रिटेंटिविटी ज्यादा होगी तो अच्छा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, पर दोनों आंसर लिखने में ना टीचर सोचेगा कि आप ना उसको दोनों आंसर लिखने में, कई बच्चे क्या है दोनों लिख देते हैं, टीचर अपने आप देख लेगा क्या होगा, तो सही आंसर नहीं माना जाएगा। कोएर्सिविटी करो, रिटेंटिविटी कट करो, कोएर्सिविटी, तो कोएर्सिविटी हाई होनी चाहिए। क्लियर है? तो क्या यूज करेंगे इसमें, स्टील, याद रखना स्टील। क्वेश्चन भी आता है व्हाई स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि उसकी कोएर्सिविटी हाई है, ऐसे लिखना है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट, बिजली से चलने वाले मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर स्टील यूज करेंगे कि सॉफ्ट आयरन? सॉफ्ट आयरन। ऐसा क्यों? स्ट्रॉन्ग चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब मैंने बंद बिजली से चलाना है मुझे तो एच जीरो कर दिया तो क्या प्रॉब्लम है, एच जीरो कर दो इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये थोड़ा ना होता है एच जीरो करने के लिए रेजिडुअल मैग्नेटिज्म हाई चाहिए, रिटेंटिविटी ज्यादा होगी वो यूज करेंगे, वो क्यों? कुछ भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो चलो बेस्ट आंसर है ही है।
देखो, जो बिजली से चलने वाले मैग्नेट है ना, उनकी क्या प्रॉब्लम है समझो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक बेल है, पुराने जमाने की बेल है, वो स्टील की कटोरी लगी होती है, हैमर लगा होता है, बेल बजती है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन हो जाता है, बिजली जाती है कॉइल में, तो कटोरी मैग्नेट बन जाती है और हैमर अट्रैक्ट हो जाता है, टन, और फिर वो डी मैग्नेट होती है बाहर, फिर मैग्नेट बनता है बाहर, तो फटाफट फटाफट घंटी बजनी स्टार्ट हो जाती है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ऐसी बेल्स को बहुत लंबे देर के लिए बजाओगे ना तो सड़ जाएगी उसकी वायर हीटिंग इफेक्ट से। रीजन, क्योंकि मैग्नेट डी मैग्नेट, मैग्नेट डी मैग्नेट, उसका जो मेटल है वो मैग्नेट बन रहा है, डी मैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डी मैग्नेटाइज, इस चक्कर में मेटल गर्म हो जाएगा। हमें वो मटेरियल यूज करना है जो ज्यादा हीट लॉस ना करे, और मुझे लगता है कि जो हीट लॉस कम करता है वो कौन सा है, सॉफ्ट आयरन। क्यों? क्योंकि उसके अंडर एरिया कम है। देखो, एरिया जो है वो कम है, तो आज हमने क्या किया था, अगर एरिया कम है तो हीट लॉस कम होगा, तो इसलिए सॉफ्ट आयरन को यूज करेंगे फॉर मेकिंग जो है इलेक्ट्रो मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के लिए स्टील और इलेक्ट्रो मैग्नेट के लिए सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर कोर्स। ट्रांसफार्मर के अंदर जो लो है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था जाते हुए, उसके अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट्स आते हैं, आगे पीछे चेंज करते हैं डायरेक्शन, और वो मैग्नेट की तरह काम करते हैं। तो जो लो है उसके एटम मैग्नेटाइज डी मैग्नेट लगातार होते ही रहते हैं, जिससे कि बहुत गर्मी जनरेट हो जाती है, हीट लॉस होगा, तो फिर से वो लोहा यूज करेंगे जिसमें हीट लॉस कम है, और इनमें से किसका हीट लॉस कम है, सॉफ्ट आयरन। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर के कोर्स भी किससे यूज किए जाते हैं, सॉफ्ट आयरन के कोर्स बनाए जाते हैं। तीन कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम का आंसर मिल गया, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो हिस्टैरिसिस के साथ ट्रांसफार्मर कोर्स यहां तक हो गया, राइट। अब एक काम करो, हैंड रिटन शीट ओपन करो, सेवेंटी सिक्स, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, शीट नंबर 76 का प्रिंट आउट लें, 76 मैग्नेट्स के ऊपर ये शीट है। देखो, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी है, ये बेसिकली हमने मैग्नेट्स कर लिए हुए हैं, ये शीट कैसे काम आएगी जब आप कंपटीशन के लिए, मेंस या नीट के लिए आप प्रिपरेशन करेंगे, तो आप डेरिवेशन तो करेंगे नहीं बुकलेट में से, बहुत लंबा काम है, तो मैंने उसके शॉर्टकट्स बना दिए, इन शीट्स को रिवाइज करेंगे, दैट्स इट, और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे ही हमने किया हुआ है, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, मैग्नेट को सस्पेंड कर देंगे धागे के साथ, वो नॉर्थ साउथ पॉइंट करेगा, तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है, मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं ऑपोजिट पोल्स को और सेम पोल्स को रिपेल करते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। एक मैग्नेट को अगर डिवाइड करेंगे कई हिस्सों में, इस तरीके से कट करते जाएंगे, बना लेना यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, मिट गया यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, तो उनके दो पोल्स ही एग्जिस्ट करेंगे, तो नॉर्थ साउथ अपने आप बनते जाएंगे। ये भी क्लियर है यहाँ तक? तो पोल्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर हम बनाएंगे तो नॉर्थ से साउथ जाएगी। अगर मैं एक मैग्नेटिक नीडल लूं तो नीडल मुझे पॉइंट कर देगी इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ, इस तरफ, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। मैग्नेटिक नीडल से आप डिटेक्ट कर सकते हो इस डायग्राम से। हमने करंट कैरिंग लूप का कैपिटल एम निकाला था, करंट इंटू एरिया किया हुआ है। हमने इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है उसका कैपिटल एम क्या निकाला था, ईवीआर बाई टू। कैपिटल एम को वेक्टर फॉर्म में एल वेक्टर, यानी कि वो ऑर्बिटल मोशन लिया था, तो म्यू या कैपिटल एम को ये ड्राइव किया था, और मैंने अपने बुकलेट में एल को एनएच बाय टू पाई भी पुट किया था, और अगर एन की वैल्यू 1 है तो बोहर्स मैग्नेट्रॉन बोलते थे इसे। मैंने कैपिटल एम जो निकाला था इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन की वजह से निकाला था, लेकिन रियलिटी है कि ऑर्बिटल मोशन के साथ इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन भी होती है। तो एक कैपिटल एम ऑर्बिटल का जनरेट होता है और एक कैपिटल एम स्पिन का जनरेट होता है। हमने अपने बुक में जो डराइव किया था वो ऑर्बिटल मोशन का एंगुलर मोमेंटम था, ऑर्बिटल मोशन का एंगुलर मोमेंटम। अगर स्पिन मोशन लिया जाए तो उसका भी एंगुलर मोमेंटम होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस वेक्टर।
तो जहां हमने एल वेक्टर प्रूव किया था उसकी जगह क्या आ जाएगा, एस वेक्टर। ये भी एंगुलर मोमेंटम है लेकिन ड्यू टू स्पिन मोशन। तो एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन जब घूमता है एक ऑर्बिट में तो उसके पास दो एंगुलर, दो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होते हैं, एक ऑर्बिटल मोशन और एक स्पिन मोशन। नेट जो डायपोल मोमेंट होता है इन दोनों का वेक्टर सम होता है, पर इतना डीप में आता नहीं है, कम से कम एनसीईआरटी में तो नहीं आता, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ यूज होता है। हम यूज नहीं करते, हम सिर्फ ऑर्बिटल मोशन का ही कैपिटल एम कंसिडर करते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है यूनिफॉर्म फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करना है, मैंने बता दिया। बार मैग्नेट के रूल्स हमने किए हुए हैं, मैग्नेटिक और ज्योमेट्रिकल लेंथ के बारे में मैंने आपको रिलेशन बता दिया था, कूलम लॉ मैंने बता दिया, मैग्नेट का कैपिटल एम स्मॉल एम इनटू 12 ये भी हमने डिस्कस किया। फिर हमने एक्सियल लाइन को डिस्कस किया, एक्सियल लाइन का रिजल्ट हमने याद किया था। एक्सियल लाइन का दूसरा नाम क्या है, एंड ऑन पोजिशन है। उसी तरीके से इक्वेटोरियल लाइन को क्या बोलते हैं, ब्रॉड साइड पोजिशन बोलते हैं, ब्रॉड साइड। तो इसका फॉर्मूला भी हमने किया। फिर टॉर्क और मैग्नेटिक, जो टॉर्क भी किया और पोटेंशियल एनर्जी भी की, और ये भी हमने ड्राइव कर लिया था। और इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ अगर रिलेशन देखें तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो जो रिजल्ट्स हैं उसी तरीके से इस चैप्टर के अंदर भी हमने किए। तो ये टेबल आपको बताता है। तो ये असाइनमेंट सिर्फ आपको, ये ऐसा नहीं कि नई चीज है, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि ये चीजें एज ए समरी आप इसको नोट कर लेना या आप साइड पे रख लो, जब रिवीजन करेंगे तो बुकलेट के प्रूफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? याद क्लियर है? अब एक काम करते हैं, जो हमने लास्ट टाइम चैप्टर किया था उसकी एक समरी शीट बनाई है, शीट नंबर 77। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो शीट नंबर 77, और बाकी लोग नंबरिंग कर सकते हैं शीट नंबर 77। मिल गई है? भी देखो डेफिनेशंस हमने की हुई हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स में मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड या इंडक्शन बी को ही बोलते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में ऐसा एक्स्ट्रा गिवन है, लेकिन हमें करने की जरूरत नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन आते नहीं है। कि जैसे एक इसके ऊपर एक किसी मैग्नेटिक मटीरियल के ऊपर एक वायर को लपेट दिया जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट है, तो उसमें बी कितना जनरेट करेगा, म्यू नॉट एन आई। बट होगा क्या, अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हैं। क्यों? क्योंकि करंट कैरिंग लूप क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो वो ना घूमना शुरू कर देते हैं और वो अपना ही करंट जनरेट कर लेते हैं आई एम। तो जो अपना ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं आई एम, म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन इंटू आई एम। इस इतने डीप में हम जाते नहीं कि इलेक्ट्रॉन की मोशन कैसी होती है कंडक्टर में, पर वैसे बुक्स में लिखा हुआ है तो मैंने लिख दिया, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। आप बस यही करेंगे, म्यू नॉट इनटू एन इनटू आई सफिशिएंट है यहां तक, ठीक। एच हमने कर लिया, आई का फॉर्मूला हमने कर लिया, ससेप्टेबिलिटी हमने कर ली, काई का रिजल्ट हमने कर लिया, क्यूरीज लॉ, क्यूरीज लॉ हमने किया था। क्यूरीज लॉ के अंदर क्या किया था, अगर कोई सब्सटेंस फेरो है उसको पैरा बनाया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो एक टेम्परेचर टी ऑफ सी, जिसको क्यूरीज टेम्परेचर बोलते हैं या क्यूरीज पॉइंट बोलते हैं, अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, वो फेरो पैरा बन जाएगा, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज करेगा। ऐसे ही किया हमने। तो अब इस केस में एक मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ है, स्पेलिंग ठीक कर लेना, क्यूरीज वेस्ट लॉ, क्यूरी स्पेलिंग ठीक करना क्यूरी के।
ठीक, एक्चुअल में ये मॉडिफिकेशन टू क्यूरीज लॉ है। इसने ये कहा कि अगर आपका टेम्परेचर क्रिटिकल से कम है फिर तो देखो कुछ नहीं होता, फिर तो फेरो फेरो ही है। बट अगर आपका टेम्परेचर क्रिटिकल से ऊपर है, टेम्परेचर बढ़ गया, अब क्रिटिकल से ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा बढ़ा तो आपकी जो काई की वैल्यू है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टी के नहीं, टी माइनस टी सी। जैसे टी सी की वैल्यू जो भी है 10 केल्विन है, तो कम से कम टेम्परेचर 10 केल्विन से ऊपर होगा तभी काई पे फर्क पड़ेगा। तो यानी कि जो एक्सेस ऑफ टेम्परेचर है, जो क्यूरीज टेम्परेचर से ऊपर जाएगा, जितना ज्यादा आप एक्सेस करते जाओगे काई उतना ही कम होता जाएगा। और बढ़िया, ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है, तो क्यूरीज लॉ मेरे ख्याल से ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। क्लियर है यहां तक? तो एक तो ये चीज नहीं है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमने कर लिए थे, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये ग्राफ पे टिक मार्क करो, ये ग्राफ हम बनाएंगे, ये हमने नहीं किया। ग्राफ के अंदर क्या है, कई बुक्स, जैसे मैं कंपैरिजन करता हूं ना, किसमें, एच में और आई में, एच में और आई में, कई बुक्स आई को, आई का मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ, उसको भी यार एम से रिप्रेजेंट करती हैं। और मैं एम से बहुत परेशान हूं क्योंकि डायपोल मोमेंट भी एम है, पोल स्ट्रेंथ भी एम है, और ऊपर से ये भी अगर एम हो जाएगा तो फिर, और मास भी एम है, तो फिर एम में घूम जाएंगे हम लोग। तो मैं इसको एम नहीं, तो मैंने लिख दिया आई और एम सेम है, तो आप इसको कट करके ना कैपिटल आई लिख लो, इन दोनों को कट करके कैपिटल आई, ठीक, क्योंकि कैपिटल एम में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, लेकिन कई बुक्स कैपिटल एम लिखती हैं, तो कैपिटल आई कर लिया, ठीक। तो ये ग्राफ किसके किसके बीच में है, मैंने कितना एच प्रोड्यूस किया फॉर अ गिवन टेम्परेचर, एच वर्सेस टी, एंड सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। एच जब बढ़ेगा तो आई बढ़ता है, थोड़ी देर के बाद एच इंक्रीज करते जाओ जितना मर्जी, आई अपनी सेचुरेशन वैल्यू पे आ जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा आई अपनी वैल्यू को अटेन कर नहीं पाएगा। तो ये ग्राफ की वेरिएशन आपको याद रखनी है कि एच वर्सेस टी और आई के बीच में ग्राफ क्या बनेगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? फिर हमने फेरो पढ़ लिया था, फेरो में डोमेन्स होते हैं, एक डोमेन दूसरी डोमेन को ओवरपावर करते हुए मैग्नेटाइज कर देती है, इसको एक्सचेंज कपलिंग बोलते हैं, ये हमने अपने बुकलेट में कर लिया था। फिर हमने बेसिक प्रॉपर्टीज की थी डायमैग्नेटिक की, तो डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी के अंदर ये सब हमने डिस्कस किया था कि डायमैग्नेटिक का बिहेवियर कैसा होता है, इसको टिक मार्क कर लो, ये नहीं किया। काई की वैल्यू टेम्परेचर के साथ डायमैग्नेटिक की कैसे चेंज होती है, काई चेंज नहीं होता, आप टेम्परेचर बढ़ा लो या कम कर लो, डायमैग्नेटिक तो पहली डेड थे, उनके एटम तो पहली मैग्नेट थे। देखो फर्क उसको पड़ता है, फर्क पड़ता है फेरो को, फेरो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, वो कमजोर हो जाएगा, पैरा बनेगा, डाया का एटम तो पहली मैग्नेट नहीं था, वो तो बिल्कुल ही डेड था, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो काई उसका नेगेटिव था तो एक्सिस नेगेटिव में बनेगा, लेकिन स्ट्रेट बनेगा, काई की वैल्यू डायमैग्नेटिक के लिए कांस्टेंट होती है और नेगेटिव में होती है। मार्क कर लो, बन जाएगा ग्राफ, ठीक। नेक्स्ट है फेरो की प्रॉपर्टीज हमने कर ली थी, फेरो या पैरा की एक ही बात है, ये ग्राफ नहीं किया था। अब हमने अभी क्यूरीज लॉ किया, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो फेरो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरा में, तो ऑब्वियसली पहले काय ज्यादा था अब काय कम हो जाएगा, हाइपरबोला ग्राफ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ की वेरिएशन याद रखनी है, ठीक है यहां तक? फिर मैंने कुछ ये म्यू, और ये तो मैंने करवा दिया था, म्यू की वैल्यू किसकी ग्रेटर देन वन है, किसकी लेस देन वन है, और ये टेबल बहुत बढ़िया टेबल है, आराम से पढ़ लेना, डाया पैरा और फेरो में एक्चुअल में क्या क्या और डिफरेंसेस हैं, तो पूरा इसमें कंटेंट लिखा हुआ है। और हिस्टैरिसिस हमने अभी कर लिया, हिस्टैरिसिस के अंदर इसको मार्क करो, जो सॉफ्ट आयरन है, देखो जो सॉफ्ट आयरन है इसकी परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी का मतलब म्यू, ससेप्टेबिलिटी यानी कि काए, रिटेंटिविटी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है सॉफ्ट आयरन की, किससे, स्टील से, कंपैरिजन है। और उसी तरीके से कोएर्सिविटी और हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है किसका, सॉफ्ट आयरन का। तो ये फैक्टर किसके ज्यादा किसके कम, ये आप प्लीज टिक मार्क कर लो, ये भी बुकलेट के अंदर नहीं लिखा हुआ, याद करना है, फैक्ट्स है। रिटेंटिविटी तो खैर दिख रही है,
और बाकी दो चीजें आपको याद करनी है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ओके ठीक। बुकलेट पे वापस आ जाओ। पेज नंबर 115 अर्थ मैग्नेटिज्म। बंद कर दूं? नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अर्थ्स मैग्नेटिज्म का जो टॉपिक है इसका सिग्निफिकेंस बता देता हूं मैं आपको। बोर्ड के अंदर एनसीईआरटी के अंदर इसका 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में जो आधा घंटा आप चलेगा उसमें 3 नंबर का तो पक्का आएगा। अब स्कूल्स के अंदर भी आपका इसमें कुछ ना कुछ पूछा जाएगा और नीट में 1 क्वेश्चन पक्का आएगा आज के लेक्चर में से, एज इट इज आ जाएगा जो हजम करेंगे। नॉर्मली एक्सपेक्टेड तो यही है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, पक्का आएगा। मेंस का तो कंप्यूटर सेलेक्ट करेगा, मेरे को क्या पता क्या सेलेक्ट करेगा, तो आ भी सकता है, तो मुझे नहीं पता क्या आएगा, बट ये एक ठीक कैंडिडेट है जिसमें से कुछ बन सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो करें स्टार्ट फिर। तो इसके अंदर अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर हमने अभी तक बी कैलकुलेट किया। हमने बी किसका कैलकुलेट किया? करंट कैरिंग वायर का। करंट कैरिंग वायर बी जनरेट करती है। हमने बी कैलकुलेट किया बार मैग्नेट का, एक्सियल, इक्वेटोरियल, एनी पॉइंट, ये भी किया। और हमने अब बी कैलकुलेट करना है किसका? अर्थ की वजह से, क्योंकि अर्थ का भी मैग्नेटिज्म है। तो अर्थ अपने आसपास कितना बी लगाती है इस चैप्टर में उसे डिस्कस करेंगे। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो अर्थ के मैग्नेटिज्म को स्टडी करने जा रहे हैं, इसलिए चैप्टर का नाम है अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड बी को डिफाइन करने के लिए आपको 3 चीजें मुझे बतानी पड़ेंगी ताकि कंप्लीटली बी को डिफाइन किया जा सके। जैसे अर्थ की हर लोकेशन पर बी चेंज होगा, ये तो बात पक्की है, कहीं ज्यादा होगा कहीं पर कम होगा। तो सबसे पहली चीज मुझे क्या बतानी है आपको? लोकेशन। जब तक मैं आपको लोकेशन नहीं बताऊंगा कि मैं कहां पर खड़ा हुआ हूं, बी कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले अगर बी कैलकुलेट करना है तो किस लोकेशन का करना है, ये पहला पॉइंट है। फिर दूसरा, आपको अब 2 चीजें और बतानी है।
उनमें से एक चीज कि जहां मैं खड़ा हूं, लोकेशन आइडेंटिफाई हो गई, यहां पर बी की वैल्यू कितनी है, बी का मैग्नीट्यूड 2। फिर आप कहोगे सर बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो साथ में बतानी पड़ेगी बी की डायरेक्शन 3। लोकेशन, बी का मैग्नीट्यूड, बी की डायरेक्शन, तो 3 क्वांटिटीज हो गई। इनको क्वांटिटीज नहीं बोलना, इसको एलिमेंट्स बोलना है, और इन एलिमेंट्स का नाम क्या है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्या चीजें हैं, ये 3 क्वांटिटीज हैं जो अर्थ के फील्ड को कंप्लीटली डिफाइन करती हैं। तो क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा, डिफाइन 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। तो आपने पहले डिफाइन करना है, फिर आपने ये नीचे वाला डायग्राम बनाना है जो ग्रीन कलर में है, और आपने ये पूरी की डेफिनेशन के साथ यहां तक लिखना है, ये क्या है इसको अब डिस्कस करते हैं। ये सीधा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अर्थ को अगर हम ऑब्जर्व करें, अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ ऊपर है, ज्योग्राफिक साउथ नीचे है। अर्थ का मैग्नेट, जो मैग्नेट है अर्थ का, उसका नॉर्थ नीचे है, अर्थ के मैग्नेट का साउथ ऊपर है, राइट। तो अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेट के नॉर्थ से कहां जाएंगे, मैग्नेट के साउथ तक जाएंगे, नॉर्थ से साउथ तक जाएंगे। ये स्टेप भी क्लियर है सबको यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट है, अब सबसे पहले इसमें इमेजिन ऐसे करना है कि आपके पास सपोज ये अर्थ है, राइट, एक स्फेयर है, और ये अर्थ इज अ स्फेयर। अर्थ का एक एक्सिस जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस, नॉर्थ साउथ, ठीक। आपने इमेजिन करना है कि एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन आपने अर्थ के ज्योग्राफिकल एक्सिस में ऐसे इंसर्ट कर दिया, ये लो, ठीक। इमेजिन करना है अर्थ के अंदर प्लेन चला गया, अर्थ दो हिस्सों में बट गई, लेफ्ट और राइट, और बीच में एक प्लेन एंटर हो गया, इमेजिन करना है। इसको प्लेन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मेरिडियन। तो ये ज्योग्राफिकल एक्सिस में एंटर हुआ था, इसका नाम है ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो ये एक प्लेन है जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन में एक्सिस में एंटर करेगा, ये एक प्लेन है, ठीक, इसको बाद में यूज करेंगे। अब दूसरा, इमेजिन करो जो लाइंस हैं वो कैसे होंगी। देखो लाइंस यहां से निकलेंगी नॉर्थ से, अलग अलग एंगल पर इसमें एंटर करती जाएंगी अर्थ की हर लोकेशन पे। जैसे अगर ये अर्थ है तो ये लाइन निकली यहां पे एंटर, ये लाइन यहां पे एंटर, ये लाइन यहां पे एंटर, ये लाइन पोल वाली जो सबसे टॉप की लाइन है वो ऐसे एंटर करती है सीधी, ये देखो सीधी सीधी, ठीक। तो पोल्स पे सीधी गिरती है, इक्वेटर पे, इक्वेटर के एक्सिस पे ऐसे गिरती है। जैसे मैं बना के दिखाऊं तो ऐसे इमेजिन करना है कि अगर ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ का मैग्नेट है, ये साउथ है मैग्नेट का, ये नॉर्थ है, और मान लो ये इक्वेटर है, तो लाइंस नॉर्थ से साउथ पे अलग अलग एंगल्स पे जाएंगी इस तरीके से, पर पोल की लाइन सीधी गिरती है और इक्वेटर की लाइन ऐसे है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 50% ऑफ मैग्नेट के ऊपर लाइंस एंटर करती है, नीचे नहीं करती। तो इस तरीके से ये मैग्नेट की लाइंस एंटर करती है अर्थ की हर लोकेशन पे। कोई कहता है कि सर आप यहां पे खड़े हो, यहां भी लाइंस हैं, मैंने कहा हाँ यहां भी लाइंस हैं, दिखता तो कुछ है नहीं, फील्ड दिखते थोड़ी ना, तो इमेजिन करना है। तो लाइंस मान लो नीचे अर्थ के नीचे मैग्नेट अर्थ के साउथ से आ रही है और यहां पर एंटर करती हुई, सपोज यहां पर एंटर कर रही है टेढ़ी, ये रही, तो यहां पर भी लाइन है, तो सपोज ये देखो टेढ़ी एंटर कर रही है। आप कहोगे आपको दिख कैसे रही है, मेरे को तो दिखती नहीं। तो अगर आपको देखनी है तो एक काम करो, आप एक धागा लो, मैग्नेट लो, बार मैग्नेट, इसको लटका लो हवा में, ये मैग्नेट जहां भी पॉइंट करेगा, क्यों ये चेंज क्यों कर रहे हैं अपनी डायरेक्शन, क्योंकि अर्थ का फील्ड है, अर्थ के फील्ड के चक्कर में चेंज करेगा। तो मान लो इसको लटकाया और इसकी पोजीशन कैसे हो गई, बोलो ऐसे इस एक्सिस में ले कि ऐसे ले, कैसे ले, ऐसे ले, टेढ़ी नीचे आ रही है, बिल्कुल सही, ऐसे नहीं लेना, ऐसे लेना है। तो जब आप एक थ्रेड से आप इसको लटका लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगी कहीं पर भी। तो मान लो मैंने इसको धागे से लटकाया और ये ऐसे हो गई, तो इमेजिन करना है कि नीचे से लाइन आ रही होगी ऐसे पास होती हुई
अर्थ के अंदर जाने की कोशिश कर रही है, मैग्नेट तो जमीन के नीचे है ना, तो अंदर जाने की कोशिश कर रही है। समझ में आया? कैसे पता लगा? तो मैग्नेट लटका लटका के देखना पड़ेगा कि लाइंस कहाँ आ रही है, जहां मैग्नेट टिक गया बस वही लाइन है। क्या है पॉइंट? क्लियर है पहला कि लाइंस दिखती नहीं है बट एक मैग्नेट आपको बता देगी। इसके लिए एक मैग्नेटिक नीडल भी आती है, सुई घूमती है तो डायरेक्शन बताती है। तो मैग्नेटिक नीडल दो टाइप की आती है, एक 3D एक 2D। 3D में स्फीयर में लगी होती है, वो ऐसे घूम सकती है कहीं पर भी, 2D में सिर्फ ऐसे घूम सकती है बस। तो 3D 2D में क्या फर्क होगा मैं अभी बताऊंगा आपको। तो अभी 3D की बात हो रही है तो लाइन कहीं भी जा सकती है, ऐसे आ गई। अब इमेजिन करो ये जो लाइन ऐसे आई, ये लाइन आई, इमेजिन करो ये लाइन अर्थ के यहां पर नीचे एंटर करेगी। आप क्या करेंगे, एक प्लेन लेंगे फिर से, और जहां पर ये लाइन एंटर कर रही है, जहां ये मैग्नेट की जो डायरेक्शन थी उसके बीच में एक प्लेन एंटर करवा दें, अर्थ के अंदर जाने दें। प्लेन जा नहीं सकती बट इमेजिन करें अर्थ के अंदर प्लेन डाल दिया और डायरेक्शन क्या रखी, जहां पर ये नीडल लटक गई थी, ये मैग्नेटिक नीडल ऐसी थी, तो इसके अंदर से एक प्लेन पास करता हुआ अर्थ के अंदर एंटर करवा दिया। जैसे ये मान लो अर्थ की सरफेस है, लाइन ऐसे थी, तो आपने क्या किया, एक प्लेन लिया, इसके अंदर अर्थ के अंदर ऐसे इंसर्ट कर दिया, सच दैट ये जो लाइन है इस प्लेन के अंदर ही रहेगी। पेन तो बाहर है पर लाइन इसके अंदर बनेगी ऐसे। तो ये जो प्लेन है जो किसको कंटेन कर रही है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को, इस प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक, तो दो मेरिडियंस हो गए, एक ज्योग्राफिक मेरिडियन, एक मैग्नेटिक मेरिडियन। अब आप अर्थ की किस लोकेशन पे हो मेरे को तो पता नहीं, तो मैग्नेट कभी इधर को पॉइंट करेगी कभी इधर करेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नेटिक मेरिडियन अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जहां भी खड़े होंगे इमेजिन कर लेना वहां पर एक प्लेन एंटर कर रहा है। तो इसको और थोड़ा सा बेटर रिप्रेजेंट करने के लिए, और थोड़ा सा बेटर रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको एक और शीट दी है। ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं बी वेक्टर, ये अर्थ के अंदर का डायग्राम है सारा, अर्थ के ऊपर है, अर्थ के अंदर, अर्थ के अंदर अंदर अर्थ ने दिखाई गायब कर दी। तो ये देख रहे हैं बी वेक्टर और ये प्लेन देख रहे हैं, इस प्लेन को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो बी वेक्टर हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में बनेगा, या ऐसे बोल सकते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन बी वेक्टर के साथ ही रहेगा, कोई डाउट इसमें? अब आपके पास दो प्लेन्स हैं, एक मैग्नेटिक मेरिडियन है और एक ज्योग्राफिक मेरिडियन है। अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे ज्योग्राफिक एक्सिस या ज्योग्राफिक मेरिडियन ऐसे है, मैग्नेटिक मेरिडियन डिपेंडिंग अपॉन लाइन कैसे एंटर कर रही है, ज्योग्राफिक मेरिडियन के साथ एंगल बनाती है। अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन आपस में कुछ एंगल बनाते हैं। तो ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक मेरिडियन जो एंगल्स बनाते हैं आपस में, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। डेक्लिनेशन, ये थीटा एंगल डेक्लिनेशन आपको ये बताता है, बुकलेट पे वापस चलते हैं एक मिनट। डेक्लिनेशन थीटा आपको ये बताता है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, कि आप अर्थ की किस लोकेशन पे खड़े हुए हैं। जैसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ऐसे डेक्लिनेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं जो अर्थ की लोकेशन बताती हैं, उनमें से एक एंगल क्या है, थीटा। अब थीटा निकलता कैसे है, ज्योग्राफिक मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन आपस में क्या क्या अर्थ की लोकेशन पे एंगल बनाते हैं, ये हमारे प्लस टू के अंदर कोर्स जो चलता है उसमें स्टडी करने का काम नहीं है। हमने कोई एटलस तो बनानी नहीं, ना हमने लोकेशन ढूंढनी है, हमारा काम बी ढूंढने का है। तो थीटा के ऊपर हम ज्यादा डिस्कस इसमें करते नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि दो मेरिडियंस में जो एंगल होता है उसको डेक्लिनेशन बोलते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो बस ये, तो डेक्लिनेशन को अगर डिफाइन करना हो तो डेक्लिनेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एट अ प्लेस इज डिफाइंड एज द एंगल व्हिच ज्योग्राफिक मेरिडियन मेक्स विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक मेरिडियन जो भी कहीं पर भी एंगल बनाएंगे उसको डेक्लिनेशन बोल के छोड़ देंगे, बट डेफिनेशन तक ही रहेंगे। हाउ टू कैलकुलेट थीटा, ये किसी किताब में लिखा भी नहीं और करने का फायदा भी नहीं। हमने क्या करना है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड और ये सब स्टडी करके, पर हमें क्योंकि जरूरी पोर्शन है
तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये थीटा होता क्या है। अब असली काम पे आते हैं। अब हमने तो बी ढूंढना है। मान लो मैं अर्थ की इस लोकेशन पे खड़ा हूं और ये दोनों प्लेन्स अर्थ के अंदर हैं, तो ये मैग्नेटिक नीडल मैंने रखी, मैग्नेटिक नीडल यहां पर पॉइंट आउट कर रही है, ये रही, ठीक, यहां पॉइंट कर रही है, तो बी वेक्टर मेरा ये रहा। जैसे प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली ये अर्थ की सरफेस है, ठीक, और लाइन मान लो ऐसे आ रही है, नीचे अर्थ से ऐसे आ रही है, तो ये लाइन ऐसे है, तो अब ये जो वेक्टर है ये ग्राउंड में अगर बनाएंगे तो ऐसा बनेगा नीचे को, ये देखो ऐसे बनेगा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। देखो ना ये बी वेक्टर आया इस जगह पे जहां मैं खड़ा हूं, बी वेक्टर ऐसे आ रहा है, तो बी वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट कहां चला जाएगा अर्थ के अंदर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहां रहेगा अर्थ की सरफेस के साथ साथ। तो हमारे मैग्नेट्स को कौन अफेक्ट करता है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पे हम काम करते हैं, वर्टिकल तो अंदर चला गया। वर्टिकल भी अफेक्ट करता है नो डाउट, पर वो मैग्नेट को नीचे लाने की कोशिश करता है, हॉरिजॉन्टल ऊपर रखने की कोशिश करता है, तभी मैग्नेट कहीं बीच में रह जाती है। नेट भी इन दोनों का रिजल्टेंट है। कोई डाउट इसमें, ठीक है आता। तो अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन में ये क्या है, ये बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये रहा, नेट भी ये रहा। तो अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और नेट बी में कुछ एंगल बनेगा। अब नीडल है वो कुछ एंगल बनाएगी यहां पे। तो ये देखो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसकी वैल्यू बी कॉस डेल्टा होगी और ये वर्टिकल बी साइन डेल्टा। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड ने एच के साथ एंगल क्या बनाया, डेल्टा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ने एच के साथ एंगल क्या बनाया, डेल्टा। इस डेल्टा को बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ टिप। डिप एंगल से फेमस है। तो डिप एंगल किसके किसके बीच में एंगल है, ये नेट बी है, नेट बी ने एच के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बनाया, डेल्टा। ठीक है यहां तक, डेल्टा। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या था, लोकेशन। लोकेशन के लिए कौन बताएगा, टेक्लिनेशन थीटा। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब मुझे बी बताना है। नेट बी बताने के लिए मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। एक तो मैं आपको डेल्टा बता दूंगा, क्योंकि बी की डायरेक्शन के लिए मुझे एंगल तो बताना ही पड़ेगा, और नेट बी ने एंगल कितना बनाया डायरेक्शन बताने के लिए, डेल्टा। डेल्टा तो डेल्टा इज एंगल ऑफ डिप, डेल्टा इज एंगल ऑफ डिप, डिप एंगल। ठीक है यहां तक। तो ये डायरेक्शन बता रहे। एक मैं आपको और चीज बताऊंगा और वो क्या है, एच। क्योंकि आपको कहे सर बी क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि निकालना तो नेट बी है और आप मुझे एच बता रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने आपको एच बता दिया तो भी क्या फर्क है, क्योंकि एच का फॉर्मूला बनेगा क्या यहां से, बी कॉस डेल्टा, एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा। अगर मैं आपको डेल्टा बताने को तैयार हूं, एच बताने को तैयार हूं, तो ऑटोमेटिकली क्या जाएगा, बी आ जाएगा। आप कहोगे सर एच क्यों बता रहे हो, क्योंकि एच को ढूंढना हमारे लिए थोड़ा इजी है, क्योंकि अर्थ की सरफेस पे एच होता है, हमारे पास बहुत तरीके हैं जिससे कि हम एच निकाल सकते हैं, जल्दी निकलता है। तो एच आ गया, डेल्टा मैं आपको दे रहा हूं, मैग्नेट का एंगल ही निकालना है वो, तो बी अपने आप आ जाएगा। तो तीन एलिमेंट्स क्लियर हैं। तो तीन एलिमेंट्स में क्या एक्सप्लेन करोगे, सबसे पहले ये डायग्राम बनाओगे, ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, इनके बीच में एंगल थीटा, नेट बी कहां बनाओगे, किस मेरिडियन में, मैग्नेटिक में, एंगल डेल्टा, एच और वी। तो तीन एलिमेंट्स कैसे डिफाइन करोगे, डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डिप, एक ही बात है, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तीन चीजें लिख लोगे। इसके बाद दो चीजें और लिखनी है, उसमें क्या, टैन डेल्टा। बोलो टैन डेल्टा इसमें क्या होगा, इस ट्राइंगल में वी डिवाइडेड बाय एच, वर्टिकल कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। और साथ में नेट बी की वैल्यू क्या आएगी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से नेट वी बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, एच स्क्वायर एंड वी स्क्वायर। तो नेट बी कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। ये दो फॉर्मूलाज हैं, और आपने जब भी क्वेश्चन आएगा ये सारा कुछ आपने लिखना है, इंक्लूडिंग डायग्राम। कोई ये ना पूछे डायग्राम बनाना है या डायग्राम नहीं बनाना, आंसर हमेशा बनाना है, ठीक। घर नहीं लेके आना डायग्राम, किसको दिखाओगे घर पे, ठीक।
ओके देखो, अब एक पॉइंट है, एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में न्यूट्रल पॉइंट्स ढूंढेंगे। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर नेट बी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर नेट बी क्या हो जाता है, जीरो। जैसे अगर आपके पास ये एक मैग्नेट है, और ये मैग्नेट ना वर्टिकल नहीं है, प्लीज, ये टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल है, ऐसे में टॉप व्यू है इसका। तो आपने टेबल पे एक मैग्नेट रखा नॉर्थ एंड साउथ, और अर्थ का फील्ड देखो कैसे है। अर्थ के फील्ड में ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ज्योग्राफिक साउथ है, तो अर्थ का जो मैग्नेट होगा वो तो नीचे होगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये अर्थ की लाइंस हैं, ये अर्थ की लाइंस है, ये रही, ठीक। तो अर्थ की लाइंस कहां से कहां है, नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ। और हमने एक मैग्नेट को कैसे रखा, नॉर्थ विद ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ विद मैग्नेट का साउथ विद ज्योग्राफिक साउथ, ठीक। हमने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो हमें दो पॉइंट्स ऐसे मिले, और कहां मिले, इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे, पी एंड क्यू, दो पॉइंट्स ऐसे मिले जहां नेट बी क्या आ गया, जीरो। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस मैग्नेट में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम की डायरेक्शन बोलो कहां है, साउथ से नॉर्थ, और इक्वेटोरियल लाइन में नेट बी की डायरेक्शन कहां होती है, कैपिटल एम के ऑपोजिट। तो साउथ से नॉर्थ अगर कैपिटल एम है तो नेट बी कहां पर है, नीचे। अगर कैपिटल एम ऊपर है तो बी इक्वेटोरियल नीचे, याद है हमने किया था, इक्वेटोरियल में डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। अर्थ का फील्ड कहां है, एच ऊपर। तो अगर अगर लेट अस सपोज अर्थ का एच और हमारे बी इक्वेटोरियल के इक्वल हो जाए तो नेट बी क्या हो जाएगा, यहां पर जीरो। तो मान लो ये पी पॉइंट है जहां पर मुझे पता लग गया कि नेट बी जीरो है। और ऐसा जीरो क्यों हुआ होगा, क्योंकि अर्थ का एच और इक्वेटोरियल का बी आपस में अपनी वैल्यू को कैंसिल कर जाते हैं, नेट आंसर आ जाता है। अब मैग्नेट का इक्वेटोरियल का फॉर्मूला तो मुझे आता है, मैंने पुट कर लिया, और ये किसके इक्वल होगा, अर्थ के हॉरिजॉन्टल फील्ड के साथ। तो इस न्यूट्रल पॉइंट पर मैं अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड निकाल सकता हूं, क्योंकि मैग्नेट के रिजल्ट्स मुझे सारे आते हैं। अगर मैं सारी वैल्यूज पुट करूंगा तो कम से कम मुझे अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड पता लग जाएगा। तो अर्थ के फील्ड को कैसे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल को, बाय एक्सपेरिमेंट। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, न्यूट्रल पॉइंट मिल जाते हैं तो मैग्नेट का बी और अर्थ का एच आपस में कैंसिल कर जाएगा, वर्टिकल का कोई रोल नहीं, वर्टिकल तो बोर्ड के अंदर जा रहा है, वो नहीं चाहिए। क्लियर यहां तक? और सेम एक्सपेरिमेंट अगर रिपीट करें सच दैट अगर मैग्नेट का साउथ और अर्थ का नॉर्थ ऑपोजिट हो जाए तो फिर न्यूट्रल पॉइंट ढूंढे जाते हैं, लेकिन वो इक्वेटोरियल पे नहीं मिलते, वो एक्सियल पे मिलते हैं। तो P और Q दो एक्सियल पॉइंट्स हैं जहां पर नेट भी जीरो, और जीरो क्यों हुए होंगे, जब अर्थ के फील्ड ने H ने B एक्सियल को क्या किया होगा, इक्वेट। अर्थ का फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक्सियल इक्वेट हुए होंगे तो नेट भी क्या हो गया, जीरो। और B एक्सियल का फॉर्मूला में आता है तो अर्थ का फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये एक दो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो नॉर्मली कम ही पूछे जाते हैं, पर पता होना चाहिए कि एच निकालने का ये एक तरीका हमारे पास है। वो चार्जेस की वजह से होता है ना, उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड्स कुछ तो कैंसिल होता ही होगा ना। इसमें मैग्नेट अकेली थी यार, मैग्नेट ने फील्ड प्रोड्यूस किया फिर भी वहां नेट भी जीरो क्यों आ रहा है, अर्थ के फील्ड ने कैंसिल किया। तो मैग्नेट का बी निकाल लो, अर्थ का फील्ड अपने आप आ गया, इसका मतलब ये है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक? चैप्टर सी चैप्टर डी चैप्टर और ये वाला सेम, इसका शॉर्ट टेस्ट है अगली बार,
तो मैं आपको लिस्ट बना के दूंगा क्वेश्चंस की, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है। तो व्हाट्सएप पे जो नहीं है वो ऐड करवा के जाना अपने आपको। तो अभी और कोई है जो नहीं है व्हाट्सएप पे? ठीक है, तो मैं लिस्ट भेजूंगा तो आपको क्वेश्चन बना के, तो प्लीज वैसे ही उन पैटर्न उसी पैटर्न पे करना काम। नहीं, सब्जेक्टिव है एनसीईआरटी। इस संडे को ऑब्जेक्टिव टेस्ट है चैप्टर नंबर ए एंड बी का। मैग्नेट्स नहीं आएंगी, करंट कैरिंग वायर आएगा, चार्ज पार्टिकल आएगा, बाइट सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, सारा इस संडे को। डायपोल वगैरह कुछ नहीं, वो सेकंड राउंड में। पहले राउंड में यहाँ गैल्वेनोमीटर आ सकता है, गैल्वेनोमीटर तक लास्ट है। तो ये सारा रिवाइज करके रखना। इसका टेस्ट होगा संडे को पहले राउंड का, सेकेंड राउंड होगा मैग्नेट्स और इस राउंड का, फिर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक, तो ना एक बार रिवाइज करके आना सारा कुछ। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस पे क्वेश्चन आता है। देखो बुकलेट का ये पेज खोलो प्लीज। देखो इसके अंदर ये बताया है कि आपके पास, मान लो ये कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि डायग्राम सेम बनाया, जो ग्रीन कलर का डायग्राम है सेम है। नहीं, ये सेम नहीं है। इसमें एक मिरीडियन ट्रू मिरीडियन है और एक मिरीडियन एपरेंट मैग्नेटिक मिरीडियन है। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सपोज आपके पास ये एक मिरीडियन है, मैग्नेटिक मिरीडियन है, ट्रू है, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से क्रॉस हो रही है, हो रही है। ठीक है यहां तक। और सपोज करो मैंने आपको ये कहा कि, बुकलेट देना एक और, सपोज करो एक और मिरीडियन मैंने आपको कहा कि एक और मिरीडियन लो जो इसके यहां से पास कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का एग्जैक्टली सेम है। तो ये जो मिरीडियन है जो मैंने ये ड्रॉ किया, ये एक्चुअल मिरीडियन है क्योंकि एक्चुअल में लाइन यहां पर क्रॉस कर रही है। पर इमेजिन करो कोई मिरीडियन यहां से भी पास होता होगा, या अगर मान लो नहीं भी होता, तो लेट अस सपोज़ मैंने आपको बोल दिया एक और वर्चुअल मिरीडियन है, अपने मन से मैंने बना के दे दिया, जो यहीं से इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर कोई नीडल, मैग्नेटिक नीडल, अगर मान लो मैग्नेटिक नीडल मैं फर्स्ट मिरीडियन में लूं जो एक्चुअल मिरीडियन है, तो ऑब्वियसली लाइन मैग्नेटिक नीडल ऐसी हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक मिरीडियन में मैग्नेटिक नीडल बी वेक्टर बनाती है, तो ये नीडल की डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे। क्लियर है? और मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर मैं कोई प्लेन इसके साथ किसी एंगल पे लूं, जैसे ये ले लिया, दो मिरीडियंस हो गए, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो अगर इसके अंदर नीडल ने एंगल डेल्टा बनाया, एंगल ऑफ डेप्थ, तो सोचो अगर मैं बिना एक्सपेरिमेंट के ये देखना चाहता हूं कि इसमें नीडल को रख दूं तो वो एंगल कितना बनाएगी, मतलब कि दो प्लेन्स हैं, नीडल मैग्नेटिक नीडल, इसमें कोई एंगल बनाएगी एंगल ऑफ डेप्थ, मैं देखना चाहता हूं कि अगर इसमें वो नीडल को रखा जाए तो वो एंगल क्या बनाएगी एंगल ऑफ डेप्थ, ये बताओ। आप कहोगे सर नीडल रख के देख लो, रखना ही तो नहीं है ना, यही तो न्यूमेरिकल है, बिना रखे बताओ। तो आप एक में तो रख सकते हो, दूसरे में बिना रख के बताओ कि वो क्या एंगल बनाती होगी। तो इसको टॉपिक का नाम क्या दिया, एक्चुअल मिरीडियन और एपरेंट मिरीडियन। अगर इमेजिनरी मिरीडियन होता तो उस केस में वो एंगल ऑफ डिप क्या बनाती। ठीक, बुकलेट किसकी है? तो इसमें ये मान लो एक्चुअल यानी कि ट्रू मैग्नेटिक मिरीडियन है। ट्रू मिरीडियन में डायग्राम कैसे बना हुआ था, बी वेक्टर का ये बना हुआ है, ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, क्लियर है? तो ट्रू मिरीडियन में बी वेक्टर ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया, डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप, ये असली एंगल है। इस मिरीडियन में एंगल डेल्टा ही बनेगा। अब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है एक और मिरीडियन इसके पीछे की तरफ है, मैग्नेटिक ही है, ज्योग्राफिक नहीं है, उसका तो क्वेश्चन ही नहीं आता ज्योग्राफिक का, मैग्नेटिक मिरीडियन ही है, वर्चुअल कुछ भी इमेजिन कर लिया। तो बताओ अगर नीडल इसमें रखूं तो वो पीछे एंगल क्या बनाएगी, ये क्वेश्चन है। और इन दोनों मिरीडियंस में एंगल सपोज कितना है, अल्फा। ये दो मिरीडियन में एंगल कितना बना हुआ है, अल्फा। कोई डाउट इसमें? तो मुझे ये समझ में आता है इसमें कि आप इसको एपरेंट को दो मिनट छोड़ दो, ट्रू मिरीडियन में तो ये ज्योमेट्री सही है, तो बोलो टैन डेल्टा किसके इक्वल है, वर्टिकल वी डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल एच। तो क्या ये स्टेप क्लियर है, टैन डेल्टा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय एच, ये तो सही है। अब इस मिरीडियन और इस मिरीडियन में एक चीज कॉमन हमेशा होगी, और वो क्या, इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का एग्जैक्टली सेम था।
तो वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का एग्जैक्टली सेम बना था, ठीक। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट दोनों मेरिडियन का सेम है, तो वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का सेम है, चेक कर सकते हो वी सेम है। तो जितना भी वी इस मेरिडियन ने एक्चुअल लगाया उतना ही वी इसका भी होगा, लेकिन चेंज क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कैसे, एक्चुअल मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच है, तो वर्चुअल मीडियम में हम इसका एक कंपोनेंट लेंगे वेक्टर से, बिकॉज बी इज अ वेक्टर, एच इज अ वेक्टर, तो इसका एक कंपोनेंट इसके ऊपर क्या आएगा, एच कॉस अल्फा। तो पीछे के मेरिडियन का डायग्राम अलग से बनाएं, पीछे का मेरिडियन का डायग्राम में वी तो सेम होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्चुअल में तो एच था, पीछे अब क्या हो गया, एच कॉस अल्फा। तो याद रखना, बहुत सारे मेरिडियन जब बने होंगे एक लाइन से तो वी तो हमेशा सेम होगा, सिर्फ क्या चीज चेंज हो जाएगी, एच, एच कॉस अल्फा, जिससे कि एंगल भी चेंज हो जाएगा। तो हमारे एक्चुअल मेरिडियन में नेट बी की वैल्यू बी है, वर्चुअल मेरिडियन में नेट बी क्या हो गया, चेंज। क्यों, क्योंकि दो कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं, तो ये भी चेंज हो गया। एंगल ऑफ डिप कितना हो गया, डेल्टा डैश। तो अगर डिप की जो मैग्नेटिक नीडल है वो इस मेरिडियन में, अपेरेंट मैग्नेटिक मेरिडियन में रखी जाएगी, तो बी डैश मैग्नेटिक फील्ड होगा, मेकिंग एन एंगल ऑफ डेल्टा डैश। कोई डाउट इसमें, तो इसमें कितना एंगल बनता है, डेल्टा, इसमें पीछे क्या बनता है, डेल्टा डैश। तो बोलो टैन डेल्टा डैश क्या होगा, वी डिवाइडेड बाय एच कॉस अल्फा, लेकिन वी बाय एच क्या है, टैन अल्फा। बॉक्स में डाल लो, ये इसका फॉर्मूला बन गया, टैन ऑफ न्यू एंगल ऑफ डिप इज इक्वल टू टैन ऑफ एक्चुअल एंगल ऑफ डिप डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा, वेयर अल्फा इज एंगल बिटवीन टू मेरिडियंस। क्लियर है यहां तक, तो मॉडिफिकेशन समझ में आ रही है, एच में मॉडिफिकेशन और कहीं मॉडिफिकेशन नहीं है, ठीक। तो इसके अंदर ये तो मैथमेटिकली पता लग ही रहे, नॉर्मली हमारे दो मैग्नेटिक मेरिडियन में एंगल लेस देन 90 होता है, 0 और 90 के बीच में चलता है, और जब 0 और 90 के बीच में चलेगा तो ये फ्रैक्शन होगी, क्योंकि एंगल अगर 0 और 90 के बीच में, तो ये हाफ 1/3 कुछ भी आएगा, तो जैसे हाफ है, अल्फा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में रखो, तो अगर ये जो भी आएगा ऊपर जाके फ्रैक्शन, जैसे हाफ है तो 2 हो गया, तो डेल्टा डैश डेल्टा से तो बड़ा ही आएगा। यानी कि पुराने मेरिडियन में, पुराने मेरिडियन में अगर एंगल ऑफ डिप हॉरिजॉन्टल के साथ, पुराने मेरिडियन में अगर एंगल ऑफ डिप हॉरिजॉन्टल के साथ डेल्टा एंगल बनाता है तो आपकी नीडल यहां तक जाती है, तो नए मेरिडियन में डेल्टा डैश बड़ा आएगा तो डिप जो नीडल है थोड़ा नीचे बेंड हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा डैश बड़ा हो जाएगा। और अगर ये एंगल 90 हुआ, दो मेरिडियन में एंगल 90, अल्फा 90 होगा तो डिफाइंड ही नहीं है, उसकी बात ही नहीं करेंगे, कॉस ऑफ 90 जीरो है, डिनोमिनेटर में जीरो इज नॉट डिफाइंड, ठीक। तो एक तो ये बात है, और दूसरी एंगल ऑफ डिप, जैसे अगर आपको थोड़ा ग्रेविटेशन याद हो, प्लस वन में ग्रेविटेशन में ये करते थे कि अगर कोई पॉइंट P है और इस P की लोकेशन बताने के लिए हम एक टर्म यूज करते थे जिसको बोलते थे लैटिट्यूड लैम्डा, लैटिट्यूड लैम्डा। तो लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड होता है जो लोकेशन बताता है, इक्वेटर के साथ जो एंगल बनता है उसको लैटिट्यूड बोलते हैं। वो कहते हैं मान लो आप ना इस P पॉइंट पे खड़े हो जहां लैटिट्यूड एंगल लैम्डा है, आप यहां पर मैग्नेटिक नीडल लेके खड़े हो जाओ तो नीडल कोई एंगल ऑफ डिप बनाएगी, और एंगल ऑफ डिप सपोज कितना बना रही है, डेल्टा, डायग्राम नहीं बना रहा पर बनाती होगी डेल्टा डेल्टा। तो लैम्डा और डेल्टा में ये रिलेशन है, टैन ऑफ डेल्टा एंगल ऑफ डिप इज 2 टाइम्स टैन ऑफ लैम्डा। बॉक्स में डाल के इसको ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर सकते हो, इसका प्रूफ नहीं आएगा, लंबा प्रूफ है, किसी को चाहिए तो प्रिंट आउट ले सकता है, जरूरत नहीं है लेकिन इसके। और ये करेक्शन कर लेना, एंगल ऑफ डिप फाई नहीं है यहां, डेल्टा है, तो नीचे डेल्टा, इसको डेल्टा करो, एंगल ऑफ डिप यहां पर डेल्टा करो, करेक्शन करो, दिस इज डेल्टा, चला ठीक है यहां तक,
ओके असाइनमेंट नंबर 78 पे आ जाओ। असाइनमेंट 78 जो अभी डिस्ट्रीब्यूट की थी, ओपन करो इसे। 78 नंबर अर्थ मैग्नेटिज्म। देखो अर्थ मैग्नेटिज्म में सबसे पहले ये मैंने ये शीट एक्चुअली में अगेन इसके ऊपर लिखो पहले फॉर एनसीईआरटी एंड फॉर मेंस एंड नीट जो लिखना लिखो। फॉर एनसीईआरटी जरूर लिखो, एनसीईआरटी के लिए इसको पढ़ के जाना है, इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। तो नीट और मेंस में भी एज इट इज न्यूमेरिकल आएंगे जो इसमें किए हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है प्लीज। ठीक, कई बार शीट्स में नहीं पता लगता तो पता पढ़ा जाएगा दूर से कि मुझे पढ़ के जाना है। तब इसके अंदर ये डायग्राम हमने कर लिया, मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन, डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, डिप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने कर लिया। लिख लो इनके आगे रेफर बुकलेट फॉर डेफिनेशंस, रेफर बुकलेट फॉर डेफिनेशन लिख लेना, क्योंकि पता लगेगा यही करके स्कूल में चले गए तो मुश्किल हो जाएगी, वो भी देखना पड़ेगा साथ में। ठीक है, अच्छा उसके बाद इक्वेटर के ऊपर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बॉक्स में डालो, बहुत आता है पेपर में, बहुत ज्यादा यूज भी होता है। इक्वेटर के ऊपर एंगल ऑफ डिप हमेशा जीरो बनता है, पोल्स पे एंगल ऑफ डिप 90। देखो पोल्स का तो बहुत ही क्लियर है, मान लो मैं पोल पे खड़ा हूं, लाइन कैसी आएगी, बिल्कुल सीधा सीधा आएगी। तो जब मैं एक मैग्नेट को या मैग्नेटिक नीडल को लटका दूंगा तो नीडल कहां जाएगी, सीधी नीचे। पोल्स के ऊपर तो ऐसे मैग्नेट लटकेगी नहीं, ऐसे हो जाएगी कि पूरा फील्ड ही नीचे की तरफ है, ये रहा। तो बोलो हॉरिजॉन्टल के साथ उसने कितना एंगल बनाया, 90। तो पोल्स पे डेल्टा इज 90, पहला रिजल्ट। दूसरा, सपोज ये इक्वेटर है, इक्वेटर है, लाइन इक्वेटर पे सीधा एंटर करती है हॉरिजॉन्टली, तो ऑब्वियसली जब एंटर ही हॉरिजॉन्टली करती है तो वर्टिकल तो जाती नहीं है इक्वेटर पे, तो इक्वेटर के ऊपर डेल्टा क्या होगा, हमेशा जीरो। तो दो चीजें आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक है यहां तक, नेक्स्ट है ये डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फॉर्मूला हमने कर लिया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का, टेन डेल्टा का फॉर्मूला कर लिया, नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कर लिया। तीन चार डेफिनेशन है, कभी आती देखी नहीं है पर बुक्स में लिखी है तो हर बार बता देता हूं मैं, इस बार भी बता देता हूं। आइसो गोनिक लाइंस क्या होती हैं, लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल डेक्लिनेशन, अर्थ की जहां जहां डेक्लिनेशन की वैल्यू सेम है वहां पर जो भी लाइन एंटर करेगी वो लाइन को आप क्या बोलेंगे, आइसोगोनिक लाइंस, आइसोक्लिनिक लाइंस। जहां जहां अर्थ की लोकेशन पे सेम डिप एंगल आएगा वहां पे जो लाइन एंटर करेगी अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसको क्या बोलेंगे, आइसोक्लिनिकल लाइंस। लाइन ऑफ जीरो डिप एक्लिनिक लाइंस इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर जहां से मर्जी एंटर कर जाओ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो एंगल ऑफ डिप क्या होगा, जीरो। तो इक्वेटर इक्वेटर के ऊपर जो भी लाइंस एंटर करती हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्लिनिक लाइंस। और नेक्स्ट है आइसोडायनामिक लाइंस, द लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग सेम वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो जहां जहां एच सेम है लोकेशन पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ का सेम है जहां जहां, वहां पर जो लाइंस एंटर करती हैं वो क्या है, आइसोडायनामिक लाइंस। चांस कम है, कभी आता देखा नहीं और हर बुक में लिखा है, मैंने भी बता दिया। ठीक, ये शीट मैंने जान के इंसर्ट की है, जब आप मेंस या नीट के लिए रिवाइज करके जाओगे आपको बुकलेट ओपन करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने रिवीजन के लिए वापस डाल दी ताकि यहीं से बाहर से फॉर्मूला रिवाइज करके कर लेना। और यहाँ करेक्शन कर लेना, फिर से कॉपी पेस्ट की है, डिप एंगल डेल्टा करेक्शन, यहाँ पर डेल्टा करो, यहाँ पर डेल्टा करो। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप एक डिवाइस के साथ मेजर किया जाता है जिसको बोलते हैं डिप सर्कल। तो अगर एक न्यूमेरिकल के अंदर आ जाए डिप सर्कल मेजर्स एंगल ऑफ डिप, तो ये ना छोड़ मत देना डिप सर्कल नहीं किया हमने, ये क्या होता है, तो डिवाइस है जिसकी वर्किंग नहीं करते हम, तो डिप सर्कल एक डिवाइस है। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए, कोई पढ़ना चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हो।
देखो इसमें इस शीट में टाइम हो तो पढ़ लेना, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं। सन जो है सोलर विंड चलाता है, अर्थ का एटमोसफेयर आयनाइज हो जाता है तो वो आयन्स थोड़े शिफ्ट हो जाते हैं और ऐसा कुछ डायग्राम बनता है। तो इसमें और भी टेक्निकल वर्ड्स यूज किए गए हैं, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। हालांकि आज तक मैंने क्वेश्चन आता देखा नहीं, फिर भी आप देख लेंगे आपके एनसीईआरटी में से ही है तो आपका कुछ आएगा भी नहीं वैसे। ठीक, तो सिर्फ ये पढ़ना है, ये वाला राइट साइड वाला बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं। टेम्पोरल वेरिएशन इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस दो लाइन में समझा देता हूँ ये पूरा पेज क्या बता रहा है। टेम्पोरल वेरिएशंस का मतलब है अर्थ का फील्ड जो है, अर्थ को हमने एक बार मैग्नेट से रिप्रेजेंट किया, लेकिन रियलिटी ये थोड़ी ना है, रियलिटी तो मोल्टन मटेरियल है। तो एक्चुअल में अर्थ का मैग्नेट का नॉर्थ कहां पर है, नीचे, और साउथ कहां पर है, ऊपर। 1 मिलियन साल के बाद ये रिवर्स हो जाएगा, नॉर्थ कहां हो जाएगा मैग्नेट का, ऊपर, साउथ हो जाएगा नीचे। तो मतलब टाइम के साथ चीजें चेंज होती रहती हैं और फिर ये मैग्नेटिक फील्ड भी अर्थ का रिवर्स हो जाएगा। तो आप कहोगे ये किसने प्रेडिक्शन कर दी 1 मिलियन साल। तो है एक जनरेशन में तो नहीं देख सकते, कई जनरेशन में, कई, ये तो मिलियन वाला तो मुझे पता नहीं, ऐसे तो कमेंट करना ही ठीक नहीं है, तो कहते दुनिया नहीं रहेगी तब तक तो यार। तो ये वाला तो देखा है लोगों ने, पहले वाला पॉइंट, टेम्पररी, ये जो शॉर्ट चेंजेस है वो तो बहुत बड़ा चेंज हो गया ना, पूरा रिवर्स होना, छोटे छोटे चेंजेस से ही अंदाजा लगाया। आप अंदाजा लगा लो 240 ईयर्स में, 1580 से लेके 1820 तक मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एट लंडन हैज चेंज्ड बाय 35 डिग्री। 250 साल में 35 डिग्री का चेंज हो गया है, यानी कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अपने एंगल्स चेंज करती है। तो ये तो अफेक्ट रियलिटी, लंदन तो यही ठीक है, हवा में नहीं है, है लंदन, और लंदन वालों ने स्टडी भी की है। अब क्वेश्चन ये है कि 250 साल में ऐसा कौन सा बंदा है जो 1580 में पैदा हुआ और 1800 कब तक, 20 तक स्टडी करता रहा, और इसको कैसे पता, ये कई जनरेशन का काम है। 1580 में काम शुरू हो गया था, तो मैग्नेटिक रॉक्स होती हैं, मोल्टन लावा हो गया जो अर्थ से निकलता है, इनको स्टडी किया जाता है। तो एक बंदे ने बोल दिया कि ठीक है मुझे ऐसा लगता है जो रॉक्स हैं उनके अंदर जो एटम्स हैं उनका डायपोल मोमेंट मान लो इस तरफ है। कई साल निकल गए, वो आगे अपने वो गुरु चेला टाइप बनाता गया, रिसर्च चलती गई, लैब चलती गई। तो फिर उसके बहुत साल बाद, दो कई जनरेशन साल मतलब 10-15-20 भी नहीं, 100 साल बाद फिर उसी काम पे किसी ने काम किया कि 100 साल पहले बंदा कहता था इतना एंगल है, अब एंगल तो यार चेंज लग रहा है मुझे, तो ठीक है रिसर्च नोटेड कि ये चेंज हो गया। फिर 100 साल बाद और बंदे आए, उन्होंने कहा यार एंगल और चेंज हो गया, तो ये नोट ही करना शुरू कर दिया कि कब से शुरू हुआ, पहले बंदे ने नोट किया, कई जनरेशन निकली, इतने बंदों ने नोट किया, तो अब वाकई ये रिजल्ट माना जाता है कि चेंज होता है। तो रिसर्च धीरे धीरे बढ़ती है, एक दिन में नहीं बढ़ती। ठीक, तो बस जनरल नॉलेज है ये भी। आगे न्यूट्रल पॉइंट्स क्या है, मोल्टन है ना मैटर, अंदर मोल्टन है, घूमता रहता है बहुत, ये कोई मैग्नेट थोड़ी ना है कि सॉलिड है घूम नहीं सकती, तो अंदर पता नहीं क्या है, ये तो हमने किसे देखा ही नहीं है, अंदाजा लगाते हैं अंदर मोल्टन मटेरियल अपने चेंजेस लेके आते हैं, वो क्या चेंजेस है मालूम नहीं क्या है। न्यूट्रल पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, न्यूमेरिकल ऐसा आएगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड एट अ प्लेस आर। तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट बी ऑफ एच गिवन है, वर्टिकल कॉम्पोनेंट बी ऑफ वी गिवन है, आपको इसमें निकालना एंगल ऑफ डिप क्या है। एंगल ऑफ डिप क्या होता है, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल पता है, हॉरिजॉन्टल पता है, डिवाइड करके एंगल ऑफ डिप, टैन इनवर्स में छोड़ देना, एंगल पता है तो पुट कर देना, नहीं पता तो टैन इनवर्स। नेट बी की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर और वर्टिकल का स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पता है, नेट बी आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? ये एनसीईआरटी के पहली दो प्रॉब्लम्स हैं,
हर साल ना बच्चे डाउट लेके आते थे सर बताना, अभी नहीं फरवरी में लेके आते हैं जब वो पढ़ना शुरू करते हैं, कई लोग ये पढ़ ही ले पेपर आ गए तो एनसीईआरटी उठाते हैं, पहला ही शॉट लग जाता है कि वो यार ये क्या है मैग्नेटिक एलिमेंट्स, क्योंकि वो क्या करते हैं वो 10 ईयर से देखने की कोशिश करते हैं उस टाइम की, देखूं जरा आता क्या है, और फिर वो देखते हैं यार अर्थ मैग्नेटिज्म बोलता तो था इंपॉर्टेंट है, सच में इंपॉर्टेंट निकला यार, तो ये तो अभी पढ़ा नहीं जा रहा क्वेश्चन क्या, पढ़ के देखना जरा क्या क्वेश्चन है। लो आंसर बताना है, शिप को कहां लेके जाएंगे बताओ। तो अब देखो कैसे पढ़ना है इसको ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है। डेक्लिनेशन एट अ प्लेस इज 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ध्यान इधर, वेस्ट ऑफ नॉर्थ कैसे पढ़ना है, पहले वेस्ट ऑफ नॉर्थ, स्टार्ट विद नॉर्थ नॉट विद वेस्ट, वेस्ट की तरफ जाएंगे, कहां से जाएंगे नॉर्थ से, ज्योग्राफी नॉर्थ सीधा है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ सीधा है, वेस्ट कहां पर है उस तरफ है, तो नॉर्थ से एंगल क्या बनेगा 15 डिग्री, ये रहा, वेस्ट से नहीं बनेगा, कई लोग सोचते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब वेस्ट से बनेगा, नहीं नॉर्थ से बनेगा, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 15 डिग्री, क्लियर यहां तक। ये क्या बना है डेक्लिनेशन, अब डेक्लिनेशन किसके किसके बीच में बनता है, ज्योग्राफिकल एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ये रहा ज्योग्राफिकल तो ये क्या होगा ऑब्वियसली मैग्नेटिक, ये प्लेन्स हैं अंदर बोर्ड के अंदर प्लेन जा रहे हैं ऐसे, टॉप व्यू दिखा रहा हूं इसका लाइनों का, है ये ऐसे डायग्राम ऐसे ही जैसे बनाया था, पर आपको सिर्फ ऐसा दिख रहा है टॉप व्यू, दो लाइन दिख रही है ठीक। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन में एंगल कितना है 15 डिग्री, समझ में आया यहां तक ठीक। तो इसका मतलब जो शिप में बंदा बैठा है वो लोकेशन अगर देखेगा अपनी तो उसकी मैग्नेटिक निडल कहां मिलेगी उसे, यहां जाती मिलेगी ठीक, वो यहां बैठा है। अब वो जाना कहां चाहता है, वो जाना चाहता है ईस्ट की तरफ, ये री ईस्ट ज्योग्राफी में ईस्ट, यहां जाना चाहता है ओपी, तो वो अपनी शिप को कैसे घुमाएगा यहां से ऐसे, तो ये 15 और 90 ऐड कर दो 15 और 90 टोटल 10, तो 105 घुमाएगा शिप ईस्ट की तरफ चली जाएगी, रीड करना आ गया ये ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। फिर देखो फिर दिखाता हूं, जैसे एक शिप को इज टू रीच अ प्लेस 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो एंगल किससे बनेगा वेस्ट से, वेस्ट कहां पर है ये रहा ज्योग्राफी का वेस्ट, ये रहा साउथ कहां है नीचे, तो वेस्ट से एंगल कितना बना 10 डिग्री, ये रहा। यहां शिप को जाना है और अभी वो है कहां पर, डेक्लिनेशन का मतलब लोकेशन, लोकेशन कहां पर है उसकी 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से कितना एंगल 18 डिग्री वेस्ट, ये रहा। तो डेक्लिनेशन किसके किसके बीच में, मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये रहा। अभी उसकी डायरेक्शन ये है, उसको जाना कहां पर है यहां पे, तो बोलो कितना बेंड हो ये प्लस 10, अब ये एंगल क्या होगा 90 में से 18 माइनस करो 90 माइनस 18 और प्लस क्या करेंगे 10, इतना घुमा दो उसे, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है, इसको रीड कैसे करना है युवराज क्लियर है ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें जी। क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटर इज गिवन, इक्वेटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है, ये रहा इक्वेटर, क्या निकालना है रेडियस 6400 किलोमीटर है आर, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, क्या निकालना है कैपिटल एम, आपको कैपिटल एम निकालना है मैग्नेट का, और एज्यूमिंग डायपोल एट अर्थ सेंटर, तो आप एक डायपोल कंसिडर करो इसमें। अब आप ये देखो कि अगर ये एक मैग्नेट है डायपोल मोमेंट जिसका एम है, तो r डिस्टेंस दूर ये पॉइंट भी है ये पॉइंट भी है ये पॉइंट भी है ये पॉइंट भी है, तो पूरे सर्कल पूरा सर्कल मैग्नेट के सेंटर से इक्विडिस्टेंट है, और कोई भी पॉइंट ले लो इस मैग्नेट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन को क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, तो बी इक्वेटोरियल का फॉर्मूला हमने किया था, तो इक्वेटोरियल का बी हमें क्वेश्चन में गिवन है, एम हमें निकालना है, रेडियस हमें गिवन है, एम कैन बी कैलकुलेट, तो मतलब ये समझना चाहिए आपको कि अगर ये एक मैग्नेट है अर्थ का
और इक्वेटर का जो पॉइंट है उसका इक्वेटोरियल पॉइंट माना जाता है, तभी तो नाम इक्वेटर है, इक्वेटोरियल, इक्वेटर, नाम से ही पता लग रहा है इक्वेटोरियल का फॉर्मूला है। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ लो एक बार, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर ना वो कहता है कि डेल्टा वन एंड डेल्टा टू, डेल्टा वन डेल्टा टू बी द एंगल्स ऑफ डिप ऑब्जर्व्ड इन वर्टिकल प्लेन्स एट राइट एंगल टू ईच अदर। बड़े ध्यान से देखना है, वो कह रहे हैं दो वर्टिकल प्लेन्स हैं एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये लो, ये दो वर्टिकल प्लेन है, एक ये वाला प्लेन है, एक ये वाला प्लेन है, दोनों 90 डिग्री पे है। ठीक, इसमें अगर मैं कोई मैग्नेटिक नीडल को रखूं तो वो डिप एंगल बनाती है डेल्टा वन, तो नीडल यहां जाती है, एंगल ऑफ डिप डेल्टा वन है। अगर मैं इसमें रखूं तो एंगल बनता है डेल्टा टू, और इनके बीच में एग्जिस्ट करता है असली मैग्नेटिक मेरिडियन जिसमें एंगल ऑफ डिप बनता है डेल्टा। तो तीन प्लेन्स हो गए, एक दो, ये दोनों अपेरेंट है 90 डिग्री पे, असली वाला इनके बीच में है, तो तीनों में अपने अपने एंगल ऑफ डिप है। आपको प्रूव करना है कॉट स्क्वायर डेल्टा वन कॉट स्क्वायर डेल्टा टू इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा। क्लियर है यहां तक? तो ये तो एपरेंट प्लेन है, ये एक्चुअल प्लेन है, लिख लेना एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन, लिख लो दिस इज एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन, बीच वाला प्लेन इज एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है यहां तक? अब देखो, अब इस प्लेन फर्स्ट और लास्ट में टोटल एंगल कितना है? 90 बोला, परपेंडिकुलर है।
तो मान लो कि एक्चुअल मेरिडियन ने इसके साथ एंगल अगर थीटा बनाया, तो एक्चुअल ने इसके साथ बनाया 90 माइनस थीटा। क्लियर है? वर्टिकल कंपोनेंट किसी भी प्लेन का चेंज नहीं होता, वी तो सेम होता है, हमने किया था एपरेंट मेरिडियंस, वी सेम है। तो अगर इसमें एक्चुअल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बीएच है, तो इस वेक्टर का इसके ऊपर कंपोनेंट क्या आएगा? बीएच कॉस थीटा, और इसका इसके ऊपर कंपोनेंट क्या आएगा? बीएच कॉस 90 माइनस थीटा। देखो बीएच के कंपोनेंट्स लेंगे हम, मेरिडियंस में एपरेंट मेरिडियन में यही किया था, कंपोनेंट ले लेंगे। तो अगर ये बीएच है तो इसका कंपोनेंट बीएच कॉस थीटा, बीएच कॉस 90 माइनस थीटा। तो जो एक्चुअल मेरिडियन है उसमें एंगल ऑफ डिप क्या है? डेल्टा, टेन डेल्टा इज इक्वल टू एक्चुअल बी ऑफ वी अपॉन बी ऑफ एच। ये तो क्लियर है यहां तक। लेकिन केस नंबर वन में जो पहला मेरिडियन है उसमें एंगल ऑफ डिप मान लो डेल्टा वन है, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल कितना है इसमें? बीएच कॉस थीटा। ठीक, तो पहले वाले मेरिडियन में ये फॉर्मूला लगेगा। दूसरे पीछे वाले मेरिडियन में क्या लगेगा? टेन डेल्टा टू इज वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, हॉरिजॉन्टल में बीएच कॉस 90 माइनस थीटा। तो एक्चुअल में कॉस, एक्चुअल में तो ऐसे ही लगेगा, पहले मेरिडियन में कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल का बीएच कॉस थीटा, दूसरे में बीएच कॉस 90 माइनस थीटा। ये स्टेप क्लियर है? तो इसको रेसिप्रोकल लेंगे, कॉट थीटा वन आ गया, टेन का उल्टा कॉट, रेसिप्रोकल चेंज कर दिया, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉट डेल्टा टू, रेसिप्रोकल हो गया, कॉट डेल्टा वन कॉट डेल्टा टू को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो ये टर्म आएगी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर वन होता है। इसकी वैल्यू क्या है टेन डेल्टा की? वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल की रेशियो क्या होगी? कॉट डेल्टा, तो इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं? कॉट स्क्वायर डेल्टा। तो चेक करो जो प्रूव करना है, आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तीन केस बना के सॉल्व हो जाएगा, कोई डाउट इसमें? इसके बेस पे फिर एक और न्यूमेरिकल आया, डिप सर्कल शोज, देखो डिप सर्कल से डरना नहीं है, एंगल ऑफ डिप निकालती है, डिप सर्कल शोज एपरेंट एंगल ऑफ डिप 60, डेल्टा वन इज 60, असली नहीं है एपरेंट है, एट अ प्लेस वेयर ट्रू डिप इज 45, असली डेल्टा 45 है। इफ डिप सर्कल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो एक प्लेन में उसने एपरेंट एंगल 60 ढूंढा, 90 डिग्री घुमा दिया, एक नया प्लेन आ गया परपेंडिकुलर, नए प्लेन में एंगल ऑफ डिप क्या होगा? यानी कि तीन प्लेन्स हैं फिर से, पहला और तीसरा आपस में 90 डिग्री पे है, बीच में एक्चुअल है, तो इसका तो रिजल्ट ही याद हो गया हमें, ये रिजल्ट लगा सकते हैं ऊपर वाला, एक्चुअल डिप 45 है, एक प्लेन में डिप 60 है, दूसरे में निकालना है, डेल्टा 2 कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसी फॉर्मूला को रीयूज किए, बट पॉइंट समझ में आ रहा है, तीन प्लेन्स के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला डायरेक्ट एप्लीकेबल है, कोई डाउट है इसमें? ठीक है यहां तक? और लास्ट बुकलेट का पेज नंबर 126, ठीक, बुकलेट का पेज नंबर 126, एक लॉ है जिसको बोलते हैं टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म, बड़े ध्यान से देखना प्लीज जो मैं बोलने जा रहा हूं। सपोज यहां पर अर्थ का फील्ड है इस तरफ H, ठीक, वर्टिकल को छोड़ो, इस तरफ अर्थ का फील्ड है H, लाइंस ऐसे जा रही है, तो अगर मैं मैग्नेटिक नीडल, 2D नीडल ऐसी जो नीचे नहीं मूव कर सकती ऐसे, तो कहां रुक जाएगी वो? ऐसे, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, लाइन हो गई, तो अर्थ का फील्ड एच यहां पर है। एक फील्ड आपने लगा दिया यहां पर अपनी तरफ, कुछ भी एफ बी जो मर्जी नाम दे दो, एक फील्ड आपने लगाया, एक फील्ड अर्थ ने लगाया, दोनों 90 डिग्री पे लग गए,
अब नीडल की प्रॉब्लम देखो, वो इधर अलाइन हो या वो इधर अलाइन हो जाए, तो वो ना इधर ना इधर, कहीं बीच में आ जाएगी और उस तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो जाएगी जिसका फील्ड ज्यादा है। ठीक, जैसे अर्थ का फील्ड एच है, अब कहोगे वर्टिकल कैसे हो गया, ये टॉप व्यू है, एक्चुअल में नीडल ऐसी पड़ी हुई है, मैग्नेट ऐसे है, तो एच ऐसे है, तो इसकी फोटो खींच के ऐसे लगा रखी है, तो हॉरिजॉन्टल है ये, एच है, आपने अप्लाई किया एफ, दोनों एट एन एंगल ऑफ 90, तो एक मैग्नेट को रखा, मैग्नेट ना इधर ना इधर, कहीं बीच में, एट एन एंगल ऑफ थीटा विद एच, रुक गया, क्यों रुका, क्योंकि इसकी पोल स्ट्रेंथ अगर एम है, तो आपको याद होगा कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में यूज करते थे क्यू ई, इसमें एम बी, याद है टॉर्क का डेरिवेशन किया था, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ कितना है एफ, तो एम इनटू एफ, और यहां पर एम इनटू एफ, और एच की वजह से एम इनटू एच, एम इनटू एच, तो ये फोर्स है, फोर्स अगर आपको याद हो तो मैंने ये रिप्रेजेंट किया था, बी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, फोर्स इज इक्वल टू एम इनटू बी, तो बी अगर एफ है तो एम इनटू एफ, एच है तो एम इनटू एच, तो अर्थ का फील्ड दो फोर्सेस लगाएगा, आपका फील्ड दो फोर्सेस लगाएगा, आपका फील्ड चाहेगा ये क्लॉकवाइज घूमे, अर्थ का फील्ड चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज घूमे, पर ये तो बीच में फंस गई, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो आपका फील्ड कितना टॉर्क लगा रहा है, एम एफ कपल है ये, एम एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना एन ए, और अर्थ का फील्ड क्या लगा रहा है, एम एच इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एस ए, तो एम एफ इंटू एन ए, एम एच इंटू एस ए, एम से एम क्या हो गया कैंसिल, एफ इज इक्वल टू एच इंटू एस ए बाई एन ए, इस ट्राइंगल में टैन थीटा इज एस ए बाई एन ए, तो इसकी जगह टैन थीटा, तो शॉर्टकट हो गया, आपका फील्ड इज इक्वल टू एच इंटू टैन थीटा, क्लियर यहां तक, तो मतलब ये मैग्नेट कितने एंगल पर रुक जाएगी थीटा, और आपका फील्ड जो होगा शॉर्टकट है वो एच इंटू टैन थीटा के इक्वल होगा, क्लियर यहां तक। इसके नीचे एक लाइन खींच लो बुकलेट में, बाकी का कंटेंट है इस चैप्टर का नॉट फॉर एनसीईआरटी प्लीज लिखो, नॉट फॉर एनसीईआरटी, तो अगला टॉपिक है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, नॉट फॉर एनसीईआरटी, एच और एफ का, हाँ वही बात है, वही तो मैग्नेट जा रही है जहां रिजल्टेंट है, एक ही बात है, तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, इसके हम एंड में सिर्फ शॉर्टकट रिजल्ट्स याद करेंगे बस, ठीक, तीन टॉपिक्स हैं, रिजल्ट्स रिजल्ट्स देखेंगे, लेकिन करना कैसे है एक एक लाइन में समझा दूंगा, आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर ध्यान से देख लो, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करता है, कैसे करता है, दो लाइन में देखना प्लीज, ध्यान आगे, यहां पर एक मैग्नेटिक नीडल लगी होती है, यहां पे नीडल फ्री टू रोटेट ऐसे, तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक नीडल मान लो अगर इस तरफ है, नीडल है, तो हम क्या करते हैं, जिसमें करंट मेजर करना है वो क्वाइल, बहुत सारी टर्न्स है इसमें, क्वाइल है उसको, क्योंकि अगर नीडल यहां रुकी हुई है तो यही एच है, अर्थ का फील्ड यहीं पर है एच, तो हम क्या करते हैं, इन नंबर ऑफ टर्न्स की क्वाइल को एग्जैक्टली इसके ऊपर ऐसे रख देते हैं, ठीक, और जिसमें करंट मेजर करना है करंट इसमें पास करेंगे, तो जब ये करंट पास होगा इसमें तो ये भी बी जनरेट करेगा आपकी तरफ, एक फील्ड एच है, एक फील्ड आपका, तो नीडल ना इधर कहीं बीच में अटक जाएगी, मेकिंग एंगल ऑफ थीटा, तो एफ क्या होगा, एच इंटू टेन थीटा, एफ आपका फील्ड है जिसकी वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो सेंटर पे बी क्या होता है सर्कल के, म्यू नॉट बाय 4 बाय 2 बाय एन आई बाय आर, पुट करके ये आंसर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करंट कैन बी कैलकुलेटेड, आपको सिर्फ एंगल मेजर करने होते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके करंट आएगा, सिंपलीफाई करके ये टर्म आएगी, एच ऊपर रख के ये टर्म यहां जाएगी, इसको जी बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट, इफ नीडेड हाउ टू कैलकुलेट करंट, आपको एक बस ट्रिक पता लग गया, वैसे तो क्वेश्चन आने का चांस बड़ा कम है, पर अगर बाय चांस कॉम्पिटिशन में आता है एटलीस्ट आपको पता है कि इसमें आपको क्या करना है, लेकिन इसका चांस कम नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनके फॉर्मूलास पे आ सकते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, इसके ऊपर आते हैं, और नीट में तो बहुत चांस है आने का, मेंस में तो मुझे पता नहीं, वो तो कंप्यूटर सिलेक्ट करेगा।
ठीक। देखो मैग्नेटोमीटर में तीन लाइन में या तीन, मुश्किल से तीन मिनट में से खत्म करेंगे, इससे ऊपर नहीं आइए। आपको प्रूफ तो करने नहीं, आपको सिर्फ बताना ही है मुझे एंड में फॉर्मुलास करने हैं। आपने एक धागा लटकाया, बार मैग्नेट लटका दी, बार मैग्नेट लटक रही है, आप हल्का सा हिला दो, ये वापस आएगी, थोड़ा आगे निकल जाएगी, वापस आएगी, आगे निकलेगी। तो दिस इज इन एंगुलर SHM, किया था इलेक्ट्रोस्टैट्स में, मैग्नेटिक डायपोल इज इन एंगुलर SHM। तो जब आप इसे थीटा एंगल घुमाते हैं तो इसमें टॉर्क जनरेट होता है MB साइन थीटा, B की जगह हॉरिजॉन्टल फील्ड में घुमाते हैं तो अर्थ का फील्ड हॉरिजॉन्टल इस पे काम कर रहा है, तो MH साइन थीटा, और ये रिस्टोरिंग टॉर्क की तरह काम करता है। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है? आई टाइम्स एल्फा, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लिख लेना हियर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पता लगे आई कुछ और आई भी बहुत बार आ गया अब, ठीक। तो टॉर्क इज आई एल्फा रिस्टोरिंग टॉर्क, एंगल स्मॉल है, साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म आएगी, और अगर आपको SHM याद है इसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा से टाइम पीरियड आएगा, आपको कुछ नहीं करना प्रूफ, आप बॉक्स में इसे डालें, बस ये आना चाहिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आता है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय MH, वेयर आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर्मूला याद हो गया। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, वो कहेगा कि दो मैग्नेट्स हैं, दोनों का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कंपेयर करो। तो आप क्या करोगे, पहले एक मैग्नेट को रखोगे M1 टाइम पीरियड T1, दूसरे को रखोगे M2 टाइम पीरियड T2, इन्हें डिवाइड करोगे, स्क्वेयरिंग करोगे, आंसर आ गया, बस कुछ नहीं है, क्लियर यहां तक। तो टाइम पीरियड का अगर फॉर्मूला याद है तो M1 इज टू M2 आराम से निकल जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है, जो आपने मैग्नेट्स लिए उनका साइज सेम है, तभी तो आई से आई क्या हो गया, कैंसल। अगर वो कह रहे हैं दो मैग्नेट्स हैं जिनका साइज सेम नहीं है, फिर क्या करना है? अगर साइज सेम नहीं है तो पहले आप साउथ नॉर्थ दोनों मैग्नेट्स का नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ एक तरफ रखो, इनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा M1 प्लस M2, एक बार उल्टे रखो तो M1 माइनस M2, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 हो जाएगा, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। तो पहले आप T1 लगाओ, 2 पाई रूट I बाय M1 प्लस M2 और ये H, ठीक। तो I की वैल्यू I1 प्लस I2 की जगह I पुट करेंगे, तो ऐसे ही सेकंड केस में M1 माइनस M2, I तो सेम ही है, इनको डिवाइड करो, स्क्वेयरिंग करो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, और ये आंसर है। मेडिकल वाले चाहो तो चाहे तो बॉक्स में फॉर्मूला इसको याद करो, आंसर आएगा, क्लियर है। लास्ट है, अगर आपको दो लोकेशंस का H कंपेयर करना है, H और ये दो लोकेशंस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंपेयर करना है, आप मैग्नेट लो, एक जगह पर फील्ड H है टाइम पीरियड T है, एक जगह पे H डैश है टाइम पीरियड T डैश है, डिवाइड करोगे आंसर, ठीक है यहां तक। और जो आपकी हैंड रिटन शीट नंबर 77 थी, जो बीच में छोड़ दी थी, मैंने क्या किया ताकि आपको बुकलेट ना पढ़नी पड़े, जो भी टॉपिक करवाए, मैंने टेंजेंट गैल्वेनोमीटर बना दिया, टेंजेंट लॉ बना दिया, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का डायग्राम के साथ फॉर्मूला बना दिया, ताकि आपको थ्योरी ना पढ़ना पड़े। अगर मैग्नेट का साइज सेम है तो M1 is to M2, साइज सेम नहीं है तो M1 is to M2, और अर्थ के फील्ड का फॉर्मूला भी लिख दिया, यहां तक क्लियर। तो इसी के साथ आपका मैग्नेटिक इफेक्ट पूरी तरह खत्म है। अगली बार विल बी स्टार्टिंग विद EMI, बहुत इंपॉर्टेंट है EMI, और ऐसा थ्योरेटिकल भी नहीं है, बढ़िया है।